यार, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा के 78 में, जहाँ पर आज का हमारा ब्लॉग होगा बेदवन पार्क के ऊपर। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली हमारी एंट्री हो गई है बेदवन पार्क के अंदर। तो अब देखना है यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो बेहतरीन लगती है। वैसे तो पूरी पार्क ही अच्छी लग रही है हमें देखने में, मगर तुम्हें दिखाना है क्या अच्छा आएगा। तो पार्क में एंट्री करते ही हमें बहुत ही प्यारे सर्कल के अंदर देखने को मिल जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है ये ऋषि जी का एक स्टेचू, जो बहुत ही ज्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो हमने इस इल्यूजन को समझने के लिए अपने दिमाग की बत्ती जलाई। बत्ती जलाने के बाद हमें पता चलता है कि इसे बनाने में जो धातु यूज किया गया है उसका कलर और पीछे दीवार का कलर सेम है, और जिस पत्ती का यूज किया गया है उसकी लंबाई 1 फीट और उसकी चौड़ाई 1 रुपए के सिक्के के बराबर है, और इन पत्तियों के बीच का गैप कम से कम 1 इंच दिया गया है। इसीलिए जैसे ही हम इसे साइड से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पत्थर का बनाया गया है, और जैसे ही हम इसके बीच में आते हैं तो दीवार का कलर और इस पत्तियों के 1 इंच का गैप का कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के ये गायब हो जाता है। यार अभी बच चुके हैं 5, अब ब्लॉग बनाते हुए आ रही है शर्म हद से ज्यादा, क्योंकि आसपास भीड़ भी अच्छी खासी है। बहुत शर्माते हैं ये, बहुत ज्यादा। अबे ये इतना भी खेल रहा है ना, अभी अगर मैं इसे पानी नहीं पिलाता तो इसका कल्याण हो चुका होता, मर जाता ये बंदा। और गर्मी देख रहे हो, गर्मी बेहिसाब पड़ रही। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। पूरी पार्क को एंजॉय कर रहे थे तब भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऋषि जी को युद्ध करते हुए दर्शाया गया है, और इनका ये युद्ध करता हुआ स्टेचू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और लोग इसके साथ बहुत सारे फोटो खिंचवा रहे थे। ऋषि जी की कब, कहाँ और किस टाइम पे अपने दुश्मनों से फाइट हुई थी वो सब आपको बता दिया गया है एक बोर्ड के द्वारा, जो इनके जस्ट बराबर में लगाया गया है। और आप जो ये गोले के आकार का देख रहे हैं ये कोई मामूली चीज नहीं, ये है गायत्री मंत्र, जो पहली बार मेरे भी समझ में नहीं आया। और जब मैंने इसके बराबर में लगे एक बोर्ड को देखा उस पे इसके बारे में बताया गया था, फिर मेरी समझ में आया ये गायत्री मंत्र है, बट मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इसका एक एक वर्ड अलग है, इसलिए मैं शायद इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो उस टाइम पे ये फाउंटेन नहीं चल रहा था, लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद ये फाउंटेन चालू हो चुका है। लेकिन जब मैं इस फाउंटेन के पास में पहुंचा तो इसकी ठंडी ठंडी हवा मेरे पूरे चेहरे पर आके लग रही थी, जिससे बहुत ही रिलैक्स सा फील हो रहा था। फव्वारे का मजा लेने के बाद हम बढ़ जाते हैं आगे, यानी इसकी दूसरी साइड में। यार पार्क तो बतेरी देखी है लेकिन ये सबसे हटके है। फाउंटेन के दूसरी साइड जब मैं जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है ये ऋषि जी का बहुत ही प्यारा स्टेचू, जिनके दोनों हाथ लेक की तरफ है और हाथों के अंदर से पानी निकल रहा था। यार इस टाइम पे पब्लिक कितनी आ गई है, एक बार नजर डालो, सब बैठे हुए लेजर शो के चक्कर में यहाँ से लेकर ऊपर तक। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं चारों तरफ की पब्लिक तो ये देखो इस टाइम पे जहाँ तक नजर डालोगे वहां तक पब्लिक होगी। और यहाँ पर देखो जहाँ पर ऋषि जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो करना क्या था, मुझे आए अपने स्कूल के दिन याद और मैं भी इन्हीं बच्चों के बीच में जाकर बैठ गया, क्योंकि जिस जगह से आप निकले हो और वो सीन आपके सामने अचानक आ जाए तो सबसे पहले अपना ही टाइम याद आता है, क्योंकि जो हम भूल चुके होते हैं वो सब हमारे सामने आ जाता है कि यार ये सब हम भी अपने टाइम पे कर चुके हैं। लेकिन एक बात क्लियर करता चलूं, ना ही हमारे टाइम के टीचर ऋषि जैसे थे और ना ही हम स्टूडेंट इनके जैसे हैं। सारी सीढ़ियां बना रखी है बैठने के लिए, मतलब यहाँ पर सबको बैठना है, और सामने जस्ट यहाँ पर ये फव्वारे चल रहे हैं, यहाँ पर होगा लेजर लाइट शो। तो देखते हैं शाम को और क्या होता है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे स्टेचू बने हुए थे जो अपनी तरफ काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट ये वाला था, इसका एक हाथ नीचे है दूसरा ऊपर। मेरा फेवरेट ये इसलिए था क्योंकि इससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि तुम्हारा हाथ हमेशा ऊपर वाला होना चाहिए, फिर चाहे किसी को टाइम देना हो, प्यार देना हो, पैसा देना हो या फिर इज्जत, क्योंकि मांगने से ना ही किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। परमात्मा की कल्याण के लिए
परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले जन